दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है सेशन में, और हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। सो आज का जो सेशन है वो मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, ठीक है, 2021 के लिए टारगेट किया गया है 2021, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2021 को टारगेट करके ये सेशन डिजाइन किया गया है शाम को 5 बजे। और यहाँ पर हम आपके लिए लेके आएंगे, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए भाई, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। और मैं एक बार शेयर भी कर देता हूं, वेल डन, बहुत बढ़िया, ओके। और इसको शेयर भी कर दिया जाए एक बार, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन टारगेट है, वो है बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2021। और आप इसके पहले बता दें कि टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं, टॉप बैचेस और टॉप एजुकेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 24th March 2021। बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बैंक प्रिपरेशन एग्जाम, 30+ अनलिमिटेड एक्सेस टू 30+ बैचेस एवरी मंथ, 40,000 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट, 20 आवर्स ऑफ कंटेंट एडिट एवरी आवर, चूज व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू, ओके। एंड 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर अवेलेबल, 70+ एजुकेटर्स आर अवेलेबल। तो फटाफट जुड़ जाइए भाई, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, आप सभी को जुड़ना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं जुड़ेंगे तब तक क्लास शुरू नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स क्रैक इट, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और यहाँ पर ठीक है, गुड। तो अगर बात करें, 98% बच्चों का विश्वास है इस सेशन पर, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर। बेस्ट एजुकेटर्स के नाम आपके लिए है, बेस्ट बैचेस एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए आ रहा है, रन बेचेस सीटी 2021 के लिए आ रहा है, SBI PO 2021, IBPS PO 2021, ये सभी बैचेस आपके लिए अवेलेबल होते जा रहे हैं, ये सभी बैचेस आपके लिए अवेलेबल होते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो फाउंडेशन बैच फॉर ऑल SBI एग्जाम भी आपके लिए अवेलेबल है, फुल सिलेबस कवरेज फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स, ठीक है, फुल सिलेबस कवरेज फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स, ठीक, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा किया जाएगा, PDF आपको दिया जाएगा, वीकली क्विज होंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास के बाद जो डाउट क्रिएट होते हैं उनको सॉल्व करना, तो ये सभी सेवाएं दी जाएंगी। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें कि लाइव कॉम्बैट एवरी संडे को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एवरी संडे को। और इस कॉम्बैट में आपका स्पीड टेस्ट होता है जो लाइव होता है बेटा, यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को जांच सकते हैं, परख सकते हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। प्लस बेस्ट परफॉर्म करके 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप पूल भी है, जहां पर आप अपने लिए प्राइज को जीत सकते हैं, ठीक है। सो एवरी संडे 10 AM, इसके लिए फटाफट अभी से इसको एनरोल कर दीजिए, जिससे कि आपके लिए कहीं भी दिक्कत ना हो। सेकंड थिंग आपको एक और बता दें कि आपके लिए जो बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है, क्योंकि अब एग्जाम का समय आने वाला है, आता ही जा रहा है, और एकदम एग्जाम के टाइम पर तैयारी नहीं होती है, तो प्रीवियस थ्री मंथ्स में ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी होती है एग्जाम के लिए। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है बेटा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन। और यहां पर आपको इस फीस में भी अगर डिस्काउंट चाहिए है तो आपको यूज करना होगा मेरा कोड, और मेरा कोड है ARS50, जो आपको देगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज में अगर आप देखें निमिषा बंसल मैम की टेस्ट सीरीज SBI PO के लिए है, और IBPS क्लर्क मेंस के लिए है, DI स्पेशल है, सभी प्रकार जितने भी एग्जाम में पार्टिसिपेशन होते हैं क्वेश्चंस के, वो सभी टेस्ट सीरीज में आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यू चैनल आपके लिए, नया चैनल ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, स्टेब्लिश कर दिया गया, और इस चैनल का नाम है हमारा संकल्प बनेंगे हम बेहतर। यहाँ पर आपके लिए वो पाथ दिखाया जाएगा जहां से आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए भाई। पहला क्वेश्चन, महासागर विज्ञान प्रबंधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पहले वेब आधारित अनुप्रयोग का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट एवर वेब बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फॉर ओशन डेटा मैनेजमेंट। ओशन डेटा मैनेजमेंट के लिए एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है ये पूछा गया आपसे। तो आपको हम बता दें इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, फटाफट बताना है इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। इसका नाम है डिजिटल ओशन। क्या नाम है बेटा? डिजिटल ओशन। अभी हाल ही में लॉन्च किया गया डिजिटल ओशन को। किसको लॉन्च किया गया है? डिजिटल ओशन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डिजिटल ओशन, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया है किसने बेटा?
साइंस और मिनिस्टर कौन है बेटा? साइंस और अर्थ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है बेटा हर्षवर्धन सिंह। क्या नाम है बेटा? हर्षवर्धन। क्या नाम है? हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने इसका उद्घाटन किया है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। सबसे पहले ब्लॉक MOES के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा एक ब्लॉक किया गया। उसमें क्या लिखा है? टुडे ऑनरेबल मिनिस्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड डिजिटल ओशन डेवलप्ड बाय INCOIS। ठीक है, ये इसमें ट्वीट में लिखा है। तो इसका अगर बात करें एक्सप्लेनेशन का, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन वर्चुअली इनॉग्रेटेड द वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिजिटल ओशन। डिजिटल ओशन, हिमांगी जी आपका स्वागत है। डिजिटल ओशन का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया हर्षवर्धन जी के द्वारा। ठीक है, नाउ आर्या राजेंद्रा हैज बीन इलेक्टेड एज अ यंगेस्ट मेयर इन इंडिया। सी इज फ्रॉम विच स्टेट? अभी हाल ही में आर्य राजेंद्रन भारत के सबसे युवा मेयर चुने गए हैं, चुनी गई हैं महिला है बेटा। सो ये किस राज्य से आती हैं? फटाफट बताना है किस राज्य से आती हैं। डी आंसर हिमांगी जी ने दिया था, वेल डन। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है कि आर्य राजेंद्रन जिन्हें हाल ही में सबसे युवा मेयर चुना गया, ये किस राज्य से आती हैं? तो इसका सही आंसर है केरला। क्या है सही आंसर? केरला, यानी केरला से ये आती हैं। और केरला की अगर बात करें तो त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्रम जिसे कहते हैं बेटा, त्रिवेंद्रम कहते हैं, त्रिवेंद्रम से चुनी गई हैं। ये 21 वर्षीय हैं। कितने वर्षीय हैं? 21 वर्षीय है, कॉलेज की छात्रा है। कहाँ की है? कॉलेज की छात्रा, उन्हें मेयर चुना गया है। तो 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा आर्य राजेंद्रन को केरल के त्रिवेंद्रपुरम नगर निगम का नया मेयर चुना गया है। ठीक है, नया मेयर चुना गया है और ये मात्र 21 साल की है। कितने साल की है? 21 साल की। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया न्यूमोसिल के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया। टीका किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है बेटा, ये टीका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 22 दिसंबर 2020 को निमोनिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन लॉन्च किया है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट SII ने बिल और मेंडेला गेट्स फाउंडेशन तथा पाथ की मदद से विकसित किया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है जिसने हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के साथ जीवन बीमा समाधान पेश किया है? सो वेयर इज द हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ AU फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक विच रिसेंटली पार्टनर्ड विद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। ठीक है, सो लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन देने के लिए जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सही आंसर है बेटा जयपुर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जयपुर में है। और AU जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला है जिस कंपनी को, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर कौन है? संजय अग्रवाल। क्या नाम है बेटा? संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल इसके क्या है बेटा? फाउंडर है। ठीक है, इसके अग्रवाल साहब इसके क्या है? फाउंडर। अब आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बता दें, स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो दिस इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये किसका? वरुण सिंह। हाय सर, वेलकम वेलकम वरुण सर। ये एक फाइनेंशियल क्या है बेटा? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक टूल है। ठीक है बेटा, इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज के सभी वर्ग तक क्या पहुंच जाए बेटा? बैंकिंग की फैसिलिटी पहुंच जाए। कौन सी फैसिलिटी? बैंकिंग की फैसिलिटी पहुंच जाए, की फैसिलिटी पहुंच जाए। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस पहले 100 करोड़ में दिया जा रहा था और अब कितने में दिया जाएगा? 200 करोड़ रुपए में। ठीक है, 200 करोड़ की पेड अप कैपिटल होगी तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें बेटा तो ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है, प्लस ये क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्रेडिट ये मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का देगा। कितने लाख रुपए तक का? 1 लाख रुपए तक का देगा। इसका मतलब ये डेबिट कार्ड भी इशू करता है बेटा, और ये कौन सा कार्ड इशू करता है? क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो बैंक है, इसका
हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? जयपुर में, ठीक है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जयपुर में आईसीसीआई से प्रुडेंशियल लाइफ के साथ जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए भागीदारी करता है। इन्होंने अभी हाल ही में एक पार्टनरशिप की है आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। के बीरमणि, एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस क्लास। ओके, सो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि सेशन है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2021 को टारगेट में करके ये क्लास स्टार्ट की गई है बेटा, और यहाँ पर पूरी ताकत से पढ़ाया जाएगा आपको स्टैंडर्ड तरीके से। सो के बीरमणि जिन्हें इस वर्ष डॉक्टर नरेंद्र दबोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, निम्न में से किसके अध्यक्ष हैं? वो किसके अध्यक्ष हैं बेटा? तो इसका जो सही आंसर है वो है अध्यक्ष द्रविदर कजगम। किसके हैं बेटा? द्रविदर कजगम के अध्यक्ष हैं। ये एक आंदोलन था, क्या था बेटा? एक ये सामाजिक आंदोलन था, क्या था बेटा? सामाजिक आंदोलन है, ठीक है, सामाजिक। अब सामाजिक है तो सामाजिक कुरीतियों पर आधारित होगा, जो उससे दूर हो रहा, जैसे अस्पृश्यता यानी अछूत वाला कार्यक्रम था, इन सबसे निपटने के लिए द्रविदर कजगम एक आंदोलन चलाया गया था, और उसी आंदोलन पर आधारित उसी के अध्यक्ष कौन है बेटा? डॉक्टर नरेंद्र दोभलकर। क्या नाम है? डॉक्टर नवेंद्र दोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको बेटा? के बीरमणि को। किसको सम्मानित किया गया है? के बीरमणि साहब को सम्मानित किया गया है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष के लिए डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड को द्रविड़ कजगम अध्यक्ष के बीरानी या बीरमणि साहब को प्रदान किया गया है, ठीक है, बीरमणि साहब को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने महावारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है, ठीक है? सो विच स्टेट हैज वॉन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 अंडर पेंडेमिक कैटेगरी? पेंडेमिक कैटेगरी के तहत किस राज्य को अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया है? तो उस राज्य का नाम क्या है बेटा? फटाफट बताना है। उस राज्य का नाम है बिहार। क्या नाम है बेटा? बिहार। बिहार को पेंडेमिक श्रेणी के तहत, महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बिसाइड द नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ऑफ द बिहार स्टेट हैव जॉइंटली बीन चूजन एज द विनर इन पेंडेमिक कैटेगरी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 इंस्टीट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दिस ईयर फॉर इनोवेटिव स्टेप्स इन ई गवर्नेंस। तो इनके द्वारा ई गवर्नेंस के स्टेप के लिए इनको दिया गया डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। किससे नवाजा गया है? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली हॉट एयर बलून सफारी मिली है? पहली हॉट एयर बलून सफारी कहां स्थापित की गई है? फटाफट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी? तो पहली हॉट एयर बलून सफारी की स्थापना कहां की गई है? फटाफट बताइए कहां पर की गई है। राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? सो द राइट आंसर इज सी। सही आंसर क्या है बेटा? सी है। अभी सबसे पहली जो पहली हॉट एयर बलून सफारी है वो मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है, बांधवगढ़। कहां पर बेटा? बांधवगढ़ टाइगर सफारी की अगर बात करें तो बांधवगढ़ टाइगर सफारी में मध्य प्रदेश में पहली हॉट एयर बलून सफारी एस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। तो ये है वो कटिंग न्यूज़पेपर की। उमरिया में बेटा इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी इन द टाइगर रिजर्व वॉज लॉन्च ऑन फ्राइडे इन द वर्ल्ड फेमस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। विश्व विख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसको एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसका उद्घाटन किसने किया है बेटा? इसका उद्घाटन किया है फॉरेस्ट मिनिस्टर विजय शाह ने। किसने किया है बेटा? फॉरेस्ट मिनिस्टर विजय शाह साहब ने। किसने किया है? फॉरेस्ट मिनिस्टर विजय शाह साहब ने किया है। सो भारत के पहले हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है बेटा? न्याय के मामले में की आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? फटाफट एक बार शेयर ठोक दीजिए, एक बार लाइक ठोक दीजिए फटाफट सभी लोग। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो बेटा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए फटाफट। तो अगला क्वेश्चन क्या आ गया है, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस ये किसकी जीवनी है, और आपको फोटो में लगा भी है, और ये सही आंसर है राजेंद्र सचर। क्या नाम है बेटा? राजेंद्र सचर, ठीक है। तो राजेंद्र सचर साहब की
ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इन परसीट ऑफ जस्टिस एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ जस्टिस राजेंद्र सचर, ये एक न्यायाधीश थे, लेट जस्टिस यानी इनका स्वर्गवास हो गया है, राजेंद्र सचर ऑटोबायोग्राफी क्या है बेटा इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम इन परसीट ऑफ जस्टिस, यानी जो लोग अपने खुद की जीवनी लिखते हैं उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, इन परसुइट ऑफ जस्टिस द फैमिली ऑफ लेट जस्टिस राजेंद्र सचर इन एसोसिएशन विद द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइज द बुक लॉन्च, इनके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है इन परसुइट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचर साहब, ठीक है बेटा। तो सचर साहब की बात करें तो इनके ऊपर और इनको सचर साहब को कमिटी अपॉइंटेड ऑन 2005 टू स्टडी कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, सो जो राजेंद्र सचर साहब थे इनको एक कमिटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था 2005 में, और उस कमिटी का मुख्य काम क्या था बेटा कि जो मुस्लिम आबादी है उनकी कंडीशंस के ऊपर स्टडी करना, ठीक है, उनकी कंडीशंस के ऊपर स्टडी करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हेमंत कुमार पांडे को कई हर्बल दवाओं के लिए, बेस्ट साइंटिस्ट हैं हेमंत कुमार पांडे, तो हेमंत कुमार पांडे को कई हर्बल दवाओं को विकसित करने के लिए उनके योगदान के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो उनकी जो मेन रिसर्च है वो क्या है बेटा आपको बतानी है फटाफट, हेमंत कुमार पांडे हैज बीन ऑनर्ड विद डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द, प्रशांत जायसवाल जी आपका स्वागत है, गुड इवनिंग मेरे भाई, तो हेमंत कुमार पांडे हैज बीन ऑनर्ड विद डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपिंग सेवरल हर्बल मेडिसिन इंक्लूडिंग विच ऑफ द पॉपुलर ड्रग, इनमें से कौन सी पॉपुलर ड्रग के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, सो उसका सही आंसर है बेटा ल्यूकोस्किन, क्या नाम है बेटा ल्यूकोस्किन, क्या नाम है बेटा ल्यूकोस्किन, ठीक है। तो हाल ही में वरिष्ठ जो वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेमंत कुमार पांडे, हर्बल दवाओं को विकसित करने के लिए और उनके योगदान के लिए डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, और अगर बात करें अवार्ड सम्मानित किया गया जिसमें ल्यूकोडर्मा के उपचार के लिए ल्यूकोस्किन भी शामिल है, सबसे इंपॉर्टेंट है ल्यूकोस्किन दवाई, कौन सी दवाई बेटा ल्यूकोस्किन दवाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में फास्टैग जारी करने के लिए गूगल के साथ सहयोग किया है, फास्टैग को जारी करने के लिए गूगल के साथ सहयोग किस बैंक ने किया है, फटाफट बताना है, फास्टैग के लिए गूगल के साथ सहयोग किसने किया, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली कोलैबोरेटिंग विद गूगल टू इशू फास्टैग, द बैंक नेम इज आईसीआईसीआई बैंक, क्या नाम है बेटा उस बैंक का आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा इंडियास लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कौन सा बैंक है बेटा देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी हाल ही में गूगल के साथ फास्टैग जारी करने के लिए समझौता किया है, ICICI Bank has announced that it is collaborating with Google to issue FASTag. It has become the first bank to join hand with Google Pay for the issuance of FASTag. ये पहला ऐसा बैंक है जिसने Google Pay के साथ समझौता किया है, क्या इशू करने के लिए फास्टैग को जारी करने के लिए, किसको जारी करने के लिए फास्टैग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशक के आईसीसी ओडीआई टीम के लिए किस खिलाड़ी को कप्तान के रूप में नामित किया गया है, विच प्लेयर हैज बीन नेम एज द कैप्टन फॉर द आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड, फटाफट आंसर देना है किसको कप्तान बनाया गया है, तो सही आंसर है बेटा MS धोनी, क्या सही आंसर MS धोनी को क्या बनाया गया कैप्टन बनाया गया है मेंस ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड, आईसीसी का एक अवार्ड है, ये एक अवार्ड है बेटा, और MS धोनी को इसका कप्तान बनाया गया, किसको बनाया गया MS धोनी साहब को कप्तान बनाया गया है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड विकेट कीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन नेम एज द कैप्टन ऑफ द आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड, He is also named for the skipper of ICC T20 team of the decade. तो महेंद्र सिंह धोनी साहब को क्या बनाया गया है बेटा? महेंद्र सिंह धोनी साहब को बनाया गया है ICC ODI team of the decade का captain and ICC
टी20 टीम ऑफ द डिकेड का भी कैप्टन, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबर है बेटा, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबर है और इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट खबर है। कैसी खबर है बेटा? इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है। कैसी खबर है? इंपॉर्टेंट खबर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपने बेड़े में शामिल किया है? फटाफट बताइए, अभी हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारत की नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो उस देश का नाम है बेटा म्यांमार। क्या नाम है बेटा? म्यांमार। म्यांमार देश ने सिंधुवीर, कौन सी बेटा? सिंधुवीर, सिंधुवीर पनडुब्बी को अपने बेड़े में, सिंधुवीर पनडुब्बी यानी स्कॉर्पियन, पनडुब्बी को अपने बेड़े में भी हाल ही में शामिल किया है। अभी वहां पर जो सैन्य शासक, जो सैन्य तख्ता पलट हुआ उसके पहले ही एग्रीमेंट हो गया था। तो द म्यांमार नेवी हैज ऑफिशियली इंडक्टेड द सबमरीन INS सिंधुवीर व्हिच वाज हैंडेड ओवर बाय इंडियन नेवी टू द कंट्री इन अक्टूबर 2020, ठीक है बेटा। और INS सिंधुवीर वॉज कमीशन ऑन 25th December 2020 विच मार्क्ड द 73rd एनिवर्सरी ऑफ म्यांमार नेवी। तो बेटा म्यांमार नेवी की 73वीं वर्षगांठ पर सिंधुवीर को म्यांमार नेवी में शामिल कर लिया गया, और ये किसने प्रोवाइड किया है? भारत ने। बिल्कुल सही है प्रशांत जायसवाल जी। अंशु मलिक किस खेल से संबंधित है? अंशु मलिक किस खेल से संबंधित है? फटाफट बताना है, अंशु मलिक किस खेल से संबंधित है? क्या वो शूटिंग से हैं, टेनिस से हैं, रेसलिंग से हैं, क्रिकेट से या गोल्फ से? तो सही आंसर इसका बेटा अंशु मलिक। अंशु मलिक किस खेल से संबंधित हैं? अंशु मलिक रेसलिंग से संबंधित हैं। किससे हैं बेटा? रेसलिंग से संबंधित हैं अंशु मलिक, ठीक है। अब अगर बात करें, इंडियन रेसलर अंशु मलिक हैज बिकम द फर्स्ट रेसलर ऑफ द कंट्री टू फिनिश ऑन द पोडियम पोजिशन एट द इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप इन बेलग्रेड सर्बिया, ठीक है बेटा। सो पहली ऐसी महिला, ये महिला रेसलर यानी कुश्ती खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या किया है, पोडियम पोजीशन स्थापित किया है रेसलिंग वर्ल्ड कप बेलग्रेड सर्बिया में। कहां पर बेटा? सर्बिया में। तो भारतीय पहलवान अंशु मलिक बेलग्रेड सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पोडियम स्थान पर समाप्त होने वाले देश के पहले पहलवान बन गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जॉन हुबेर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस इवेंट से रिलेटेड है? फटाफट बताना है बेटा, जॉन हुबेर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, किस खेल से संबंधित है? फटाफट आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है, किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो जॉन हुबेर, आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा WWE, सुना है सभी ने WWE, यहां पर क्या होती है? कुश्ती होती है। कैसी होती है? कुश्ती। कौन सी कुश्ती होती है? प्रोफेशनल कुश्ती। कैसी होती है? प्रोफेशनल कुश्ती होती है, और प्रोफेशनल कुश्ती में ही ये क्या थे? रेसलर थे। सो इट इज रिलेटेड टू रेसलिंग। क्या है बेटा? रेसलिंग से रिलेटेड है। फॉर्मर प्रोफेशनल रेसलर जॉन हुबेर हु वाज प्रॉपरली नोन बाय हिज रिंग नेम ल्यूक हार्पर इन द WWE हैज पास्ड अवे। जॉन हुबेर वाज नोन बाय हिज रिंग नेम बॉडी ली इन ऑल द एलाइट रेसलिंग, ठीक है बेटा। पूर्व पेशेवर पहलवान जॉन ह्यूबर जिन्हें WWE में उनके रिंग नाम ल्यूक हार्पर के नाम से जाना जाता है का निधन हो गया है, ठीक है। तो ये रेसलर थे। क्या थे बेटा? रेसलर, रेसलर थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा, रूसी खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाने और शुल्क तय करने के लिए हाल ही में किन खेलों से प्रतिबंधित किया गया है? किस खिलाड़ी को अभी प्रतिबंधित किया गया है? रूस की खिलाड़ी है और उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्ल्ड बैडमिंटन, बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने अभी इनको हाल ही में क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। और रीजन क्या है प्रतिबंधन का बेटा? कि इन्होंने सट्टेबाजी में पार्टिसिपेट किया है, और इनका नाम है बेटा निकिता खाकीमोव। क्या नाम है बेटा? निकिता खाकीमोव। निकिता खाकीमोव ये क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। कैसी है बेटा? बैडमिंटन खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, और इन्हीं खिलाड़ी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूसी शटलर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी, जुआ और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। हाउ मेनी इयर्स? फॉर 5 ईयर्स। कितने साल के लिए लगा दिया गया प्रतिबंध? 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस खिलाड़ी को दशक के नवीनतम ICC टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है। किस खिलाड़ी को दशक के नवीनतम ICC टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में
नामित किया गया है? फटाफट बताना है, डिकेड के टेस्ट जो टेस्ट प्लेयर कौन है, टेस्ट कैप्टन कौन है, उनका नाम है बेटा विराट कोहली। क्या नाम है बेटा? विराट कोहली को अभी हाल ही में मेंस टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? कैप्टन नियुक्त किया गया। विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट टीम के दशक का कप्तान बनाया गया है, ठीक है। तो इट इज एन अवार्ड। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड द डिकेड 2020 से सम्मानित किया गया। फटाफट बताना है बेटा, ये आईसीसी के अवार्ड है जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेम द प्लेयर हु हैज बीन अवार्डेड द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020। तो फटाफट आंसर देना है, किसको बनाया गया है? द राइट आंसर इज MS धोनी। क्रिकेट स्पिरिट के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया है बेटा किसको? MS धोनी को, ठीक है। तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड प्रोवाइडेड टू MS धोनी, ठीक है, टू प्रोवाइडेड टू मिस्टर MS धोनी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस शहर में किया है, ठीक है। सो फटाफट आंसर देना है, पीएम मोदी ने भारत की पहली स्वचालित यानी चालक रहित ट्रेन का उद्घाटन किस शहर में किया है। सो इसका जो सही आंसर है वो है न्यू दिल्ली में मेट्रो का उद्घाटन किया गया है और ये स्वचालित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर भारत की पहली पूर्ण स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है, ठीक है बेटा। सो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट एवर फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस ऑन 28 दिसंबर 2020 ऑन द मेजेंटा लाइन ऑफ द दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में ये रहा, पीएम मोदी ने हाल ही में भारत की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई, यह नई सेवा किन राज्यों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है। तो 100वीं किसान रेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई है और ये किन राज्यों को जोड़ रही है, तो इसका सही आंसर है बेटा डी, द राइट आंसर इज डी, महाराष्ट्र को जोड़ रही है वेस्ट बंगाल के साथ। महाराष्ट्र को किसके साथ जोड़ रही है बेटा? वेस्ट बंगाल के साथ। किसके साथ? महाराष्ट्र को वेस्ट बंगाल के साथ जोड़ रही है और यहां पर डी आंसर सही है। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द 100th किसान रेल ऑन 28 दिसंबर 2020 फ्रॉम द संगोला इन महाराष्ट्र टू शालीमार इन वेस्ट बंगाल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो महाराष्ट्र को किसको बेटा? महाराष्ट्र को किससे जोड़ रही है बेटा? वो वेस्ट बंगाल से जोड़ने के लिए 100वीं किसान रेल। कौन सी रेल बेटा? किसान रेल की बात हो रही है। 100 किसान रेल की बात अगर करें तो उद्घाटन किया है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। सुतार नवनाची सूत्र एक अनुभव पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट बताना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बुक से आया है बेटा। सुतार नवनाची सूत्र एक अनुभव पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है फटाफट। तो इसका सही आंसर है बेटा रूपा चहरी। क्या नाम है बेटा? इस किताब के लेखक कौन है? रूपा चहरी इज द राइट आंसर। सभी लोग शेयर और लाइक ठोक दीजिए प्लीज, शेयर और लाइक जरूर करते जाइए अगर अच्छा लग रहा हो बेटा तो, और अगर मजा ना आ रहा हो तो आपके ऊपर है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, ठीक है बेटा? सुतार नवनाची सूत्र अवक, ठीक है, अनुभव। तो अनुभव की किताब को लिखा है बेटा रूपा चहरी ने। किसने लिखा है बेटा? रूपा चहरी जी ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है बेटा? रूपा चहरी ने। यूनियन मिनिस्टर स्टेट आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर डिफेंस श्रीपद नायक रिलीज कोनान की बुक टाइटल सुतार नवनाची सूत्र एक अनुभव। द बुक वॉज रिटन बाय द डॉक्टर रूपा चहरी, ठीक है, वेल नोन पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ कंपेयरिंग इन गोवा, ठीक है बेटा। तो ये एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है रूपा चहरी, जिनकी किताब का उद्घाटन किया है श्रीपद नाइक साहब ने। अगला क्वेश्चन कहता है सुनील कोठारी जिनका हाल ही में निधन हो गया एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, तो वो किसके इतिहासकार थे? फटाफट बताना है बेटा भी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। सुनील कोठारी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, तो वो किस इतिहासकार थे? हिंदी लिटरेचर के। किसके बेटा? हिंदी लिटरेचर के एक इतिहासकार थे, ठीक है। तो पद्मश्री अवार्डी डांस हिस्टोरियन
सुनील कोठारी हैज पासेस अवे. एक सेकंड रुक जाइए बेटा. ठीक है, हिंदी इंडियन डांस, सॉरी यहाँ पे आंसर सी होगा बेटा, इंडियन डांस होगा. आंसर क्या होगा? सी होगा. सी इज द राइट आंसर. इंडियन डांस के वो इतिहासकार थे और ये अभी हाल ही में कार्डिक अरेस्ट की वजह से इनकी डेथ हो गई. तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का निधन कार्डिक अरेस्ट से पीड़ित होने के कारण हो गया. ठीक है, अगला क्वेश्चन. भारत और वियतनामी नौसेना के किस क्षेत्र में अपना पैसेक्स अभ्यास किया है? फटाफट बताना है, भारत और वियतनाम ने अपना पैसेक्स अभ्यास किस क्षेत्र में किया है? अरेबियन सी में, साउथ चाइना सी में, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन? सो द राइट आंसर इज साउथ चाइना सी. सही आंसर क्या है बेटा? साउथ चाइना सी है. सही आंसर क्या है? साउथ चाइना सी है. और अगर आप देखेंगे बेटा, यहां पर साउथ चाइना सी दिखाई दे रहा है, ये चीन है. ये कौन सा देश है बेटा? चीन. ये चीन देश है. चीन, चाइना है यहां पर. और ये है वियतनाम. ये कौन सा देश है बेटा? वियतनाम है. और ये है साउथ चाइना सी का एरिया, जहां पर पैसेक्स, क्या बेटा? पैसेक्स, पैसेक्स का एक्सरसाइज की गई है. पैसेक्स एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है बेटा. और ये किसके बीच में की गई है? भारत और किसके साथ? वियतनाम के साथ. भारत और वियतनाम के साथ. ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच में पैसेक्स एक्सरसाइज की गई है साउथ चाइना सी में. कहां पे की गई है? साउथ चाइना सी में की गई है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कमाल कलाम पांच, कलाम पांच के रूप में डब किए गए ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी का नाम क्या है? फटाफट बताना है, भारत की पहली निजी कंपनी का नाम. तो उस कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस. क्या नाम है बेटा? स्काईरूट एरोस्पेस इज द राइट आंसर. इसका सही आंसर है स्काईरूट. इसका सही आंसर स्काईरूट एरोस्पेस. और अगर हम बात करें बेटा, तो इंडियन स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर अ सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन नेम्ड कलाम 5. विद दिस इट इज become the first private company of India to successfully design, develop and test a full solid fueled rocket stage. ठीक है बेटा, तो ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है, स्टार्टअप कंपनी, जिसने ठोस ईंधन का सफलतापूर्वक डिजाइन बनाया है, विकास किया और इसका परीक्षण किया है. ठीक है, परीक्षण किया. इस कंपनी का नाम क्या है? स्काईरूट. क्या नाम है बेटा? स्काईरूट. एलिसे पेरी ने 2020 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द डिकेड. एलिसे पेरी ने 2020 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द डिकेड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड, टी20 प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड जीता है. वह किस देश की खिलाड़ी है? फटाफट बताइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सही आंसर है बेटा ऑस्ट्रेलिया. ये सही आंसर क्या है बेटा? ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर. ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर. ठीक है, सही आंसर क्या है बेटा? ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, सो एलिसे पेरी ने 2020 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द डिकेड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड, टी20 प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड जीता है एलिसे पेरी. याद रखना बेटा, भूलना नहीं, एलिसे पेरी. और अंकित बिमल जी, आपका स्वागत है, वेलकम, गुड इवनिंग. और ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर. तो द राइट आंसर इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इंपॉर्टेंट क्योंकि तीनों अवार्ड एक ही महिला ले गई हैं और इनका नाम है एलिसे पेरी. ठीक है, तो इन वुमेन्स क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया एलिसे पेरी क्लिंच द अवार्ड इन ऑल थ्री कैटेगरीज, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द डिकेड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड एंड टी20 प्लेयर ऑफ द डिकेड. तीनों अवार्ड चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया में. दशक 2020 के आईसीसी पुरुष क्रिकेट के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार का खिताब किसे मिला है? सर गारफील्ड सोबर्स का पुरस्कार मिला है विराट कोहली को. किसको मिला है बेटा? विराट कोहली साहब को मिला है. किसको मिला है? विराट कोहली साहब को मिला है. किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है. और द राइट आंसर इज विराट कोहली. सर गारफील्ड सोबरर अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड गोज टू विराट कोहली. यानी इस बार आईसीसी अवार्ड पे भारत का ही दबदबा देखा जा रहा है. किसका दबदबा देखा जा रहा है? भारत का दबदबा देखा जा रहा है. महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है. भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? When is the good governance day observed in India? भारत में good governance day कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, जो जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस. क्या मनाया जाता है बेटा? सुशासन दिवस. सुशासन
दिवस के तौर पर मनाया जाता है, सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, और किसकी याद में मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, ठीक है। यह दिन श्री वाजपेयी के सम्मान में साल 2014 में सरकार ने जवाबदेही के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया, यानी 2014 से स्टार्ट हुआ है सुशासन दिवस मनाना और एवरी ईयर 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है सुशासन दिवस, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे बेटा एग्जाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ टारगेट किया गया है, किस एग्जाम को टारगेट किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ को टारगेट किया गया है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के नवीनतम अनुमान के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है, तो इसका सही आंसर है -7.8%। कितना है बेटा, -7.8%, बिल्कुल सही है अनिकेत विमल जी, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है, 25 दिसंबर इज द राइट आंसर फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी एस्टिमेटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 इज -7.8%, ओके, पहले ये 11 -11.8% एस्टिमेट किया गया था, अब कर दिया गया -7.8%, ठीक है। नाउ डिजीबॉक्स भारत का स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसे किस इकाई के द्वारा लॉन्च किया गया, डिजीबॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कैसा है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, डिजीबॉक्स भारत का स्वामित्व वाला पहला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसे किस इकाई के द्वारा लॉन्च किया गया है, फटाफट बताना है, क्वेश्चन नंबर 28 पर हम आ गए हैं, सो फटाफट बताइए किसने लॉन्च किया है डिजीबॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, फटाफट बताना है, डिजीबॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सही आंसर है बेटा नीति आयोग, क्या नाम है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म क्या है बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है बेटा, और अगर हम बात करें इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए बता दिया है, और इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, 2015 में हुई है बेटा, और ये किसकी जगह पे आया है, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की जगह पर इसे एस्टेब्लिश किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है बेटा, अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हमेशा कौन होगा, पीएम ऑफ इंडिया होगा, देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा बेटा, और अगर हम बात करें तो इसके उपाध्यक्ष कौन है बेटा, राजीव कुमार, कौन है बेटा, मिस्टर डॉक्टर राजीव कुमार, कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार साहब हैं। और एक बात बता दें आपको, इसके जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत, क्या नाम है बेटा, अमिताभ कांत, क्या नाम है, मिस्टर अमिताभ कांत, ठीक है। सो नीति आयोग ने डिजीबॉक्स, इंडिया फर्स्ट डिजिटल एसेट्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया डिजीबॉक्स, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस फर्म का नाम बताइए जिसने बैंकिंग वित्तीय सेवा और बीमा मूवर्स ऑफ और सेकर्स 2020 रैंकिंग में शीर्ष पर रखा गया है, जिसे हाल ही में विजाई की द्वारा जारी किया गया है, तो फटाफट बताना है उसका नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम बताना, उस बैंक का नाम बताना है जिसे मूवर्स एंड सेकर्स नेम द फर्म विच हैज स्टॉप्ड द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस मूवर्स एंड सेकर्स 2020 रैंकिंग रिलीज रिसेंटली बाय बिजी की, ठीक है। सो उस बैंक का नाम क्या है बेटा, एचडीएफसी बैंक, क्या नाम है, एचडीएफसी बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी, क्या नाम है बेटा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी। एचडीएफसी बैंक इज द टॉप रैंक कंपनी अमंग द 100 बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस कंपनीज इन द कंट्री एज पर द बीएफएसआई मूवर्स एंड सेकर्स 2020 रिपोर्टेड बाय बिजिकी, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक को शीर्ष स्थान दिया गया है, किसको दिया गया है, ओके, थैंक यू मेरे भाई। तो आरबीआई की बात करें तो अगला क्वेश्चन आ गया, आरबीआई ने अभी हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, गुड, थैंक यू मिस्टर अनिकेत बिमल सर, थैंक यू।
आरबीआई ने भी हाल ही में किस स्थानीय क्षेत्र के बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया फटाफट। कृष्णा बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, या सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, या कैपिटल लोकल बैंक एरिया लिमिटेड, या ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है बेटा वो है सी। अभी हाल ही ने दिसंबर में सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर, कहां का है बेटा ये? कोल्हापुर महाराष्ट्र का। कहां का है? कोल्हापुर महाराष्ट्र को बैंकिंग लाइसेंस को भारत में जारी रखने के लिए जारी किया है। ठीक है बेटा, तो अभी देखो क्या लिखा है बेटा, सॉरी क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें। कैंसिल्ड, ठीक है बेटा इनका कैंसिल हो गया है। तो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? फटाफट बताना है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? फटाफट बताना है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। क्या नाम है बेटा? उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा इज द राइट आंसर। इसे उड़ीसा कहा जाता है, उड़ीसा इज द राइट आंसर। तो द राइट आंसर इज राउरकेला। ठीक है, राउरकेला में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम एस्टेब्लिश किया जा रहा है। A new world-class hockey stadium is being set up in Rourkela city of Odisha as announced by the Odisha Chief Minister Mr. Naveen Patnaik. So Naveen Patnaik साहब ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि world class hockey stadium हम कहां पे बनाने जा रहे हैं? Rourkela city of Odisha में। कहां पर? Rourkela Odisha में। The stadium will be constructed in the Biju Patnaik University of Technology campus Rourkela। इसे कहां पे बनाया जाएगा बेटा? बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी में स्टेब्लिश किया जाएगा। एक बात और बता दें, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां बना है बेटा? सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पे बना है? स्टेडियम कहां पे बना है बेटा? अहमदाबाद में। कहां पे बना है बेटा? अहमदाबाद में बनाया गया है। और ये अहमदाबाद में किसके नाम पे है? नरेंद्र मोदी। किसके नाम पर? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पे बनाया गया बेटा? राउरकेला में। कहां पे बनाया गया? राउरकेला में, जो किस राज्य में? उड़ीसा में। कहां पर है बेटा? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम TFC द्वारा COVID-19 महामारी के मद्देनजर भारत में महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना के विकास में कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? So how much amount of finance support has been announced by the United States International Development Finance Corporation to support the development of critical infrastructure project in India in the wake of the COVID-19 pandemic? So us amount ko aapko batana hai ki wo amount kitna hai beta? Sahi answer hai yahan par 54 million. Kitna hai beta? 54 million. 54 million US dollar abhi hal hi mein TFC ने अनाउंस किया है भारत के लिए। कितना किया है बेटा? 54 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। किसने बेटा? TFC ने। संयुक्त राज्य के अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर देश के महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना के लिए 54 मिलियन US डॉलर के निवेश करने की घोषणा की है। बिल्कुल सही है अनिकेत, विमल जी बिल्कुल सही है, 54 मिलियन। बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्द ही स्थापित होने वाली है? लिथियम रिफाइनरी जल्द ही स्थापित होने जा रही है किस राज्य में? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? सही आंसर आपको देना है बेटा, फटाफट सही आंसर आपको देना है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां स्थापित होने जा रही है? तो सही आंसर है गुजरात। क्या है बेटा सही आंसर? गुजरात। गुजरात में इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इन गुजरात कहां पर स्टेब्लिश होने जा रही है बेटा? गुजरात में स्टेब्लिश होने जा रही है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जल्दी गुजरात में स्थापित होने जा रही है। देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी मणिकरण पावर लिमिटेड इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लगभग 1000 करोड़ का निवेश करेगी। कितना? 1000 करोड़। और लिथियम के बारे में सभी लोग जानते हैं। गौरव शर्मा जी भी आ गए, वेलकम गौरव शर्मा। गुजरात इज द राइट आंसर। लिथियम आपने देखा होगा बेटा आपकी बैटरी में, लिथियम आपकी बैटरी में यूज होती है। किसमें यूज होती है? बैटरी में यूज होती है। तो लिथियम की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां स्टेब्लिश होने जा रही है बेटा? गुजरात में। कहां पे होने जा रही है? गुजरात। कहां पे होने जा रही है? गुजरात में स्टेब्लिश होने जा रही है। ठीक है,
और गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो क्या नाम है बेटा, विजय रूपानी। सभी लोग शेयर और लाइक ठोक दीजिए प्लीज, सभी लोग शेयर और लाइक ठोक दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में पी आर इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? फटाफट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल कॉल्ड पी आर इनसाइट? पी आर इनसाइट को किसने लॉन्च किया है? बिल्कुल सही आंसर, फटाफट सभी को आंसर देना है। पी आर इनसाइट किसने लॉन्च किया है? त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो पी आर इनसाइट को लॉन्च किया गया है। ई आंसर सही है बेटा, पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी नीतियों पर अपने नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए पी आर इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो सिटीजन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज का फायदा मिले, फीडबैक मिले, इसलिए पी आर इनसाइट लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। और हर घर पानी हर घर सफाई योजना भी कहां पे लॉन्च की गई है? पंजाब में। कहां पे लॉन्च की गई है? पंजाब में। ऐसी एक योजना और है, आओ जाने अपना प्रदेश, कहां की स्कीम है ये आपका होमवर्क है। आओ जाने, आओ जाने, आओ देखें, आओ देखें अपना प्रदेश, ये किसकी स्कीम है? अपना प्रदेश किस राज्य की स्कीम है? फटाफट आंसर देना है चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोविड 19 सभ्यता का संकट और समाधान, कोविड 19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन नामक किताब के लेखक कौन है? फटाफट बताना है। कोविड 19 के ऊपर एक किताब अभी हाल ही में रिलीज की गई है, कोविड 19 सभ्यता का संकट और समाधान, किसकी किताब है? फटाफट बताना है किसकी किताब है। तो ये नोबल प्राइज विनर सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी साहब की किताब है। किसकी किताब है? नोबल प्राइज विनर इनका नाम क्या है बेटा? इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है बेटा? कैलाश सत्यार्थी साहब की ये किताब है जिसका नाम है सभ्यता का संकट और समाधान। क्या नाम है बेटा? सभ्यता का संकट और समाधान, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी किताब है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया, उस वेब पोर्टल का नाम क्या है? फटाफट बताना है, वेब पोर्टल का नाम आपको बताना है और उस वेब पोर्टल का नाम है ई संपदा। क्या नाम है बेटा? ई संपदा। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज लॉन्च ई संपदा न्यू वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप ऑन गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे पर यह लॉन्च किया गया है ई संपदा। क्या लॉन्च किया गया बेटा? ई संपदा को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? फटाफट बताना है, 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? फटाफट बताना है। इन विच स्टेट एन 18 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैज बीन अनबिल्ट? तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या है सही आंसर बेटा? हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। जयराम ठाकुर साहब यहाँ के क्या है बेटा? जयराम ठाकुर यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। क्या है बेटा? मुख्यमंत्री है। क्या है बेटा? मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की राजधानी में ऐतिहासिक रिज पर अपनी 96वीं जयंती के अवसर पर पूर्ण दिवंगत पूर्ण प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की जीडीपी ग्रोथ बतानी है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। भारत की जीडीपी ग्रोथ 2022 के लिए आपको बतानी है जिसे इंडियन रिसर्च एजेंसी के द्वारा अनुमानित किया गया है। सो सही आंसर है बेटा 9.6। इंडियन रिसर्च एजेंसी के द्वारा 9.6 2021 और 22 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमानित की गई है। जीडीपी ग्रोथ 2021-22 के लिए अनुमानित की गई है बेटा 9.6। कितनी की गई है? 9.6, ठीक है। नाउ आगे अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इस कंपनी ने BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 रिपोर्ट के वॉलेट और यूपीआई खंड के बीच शीर्ष रैंक हासिल की है। जैसे अभी आपने देखा था कि बेस्ट बैंक बेस्ट
बैंक कौन सा है बेटा, HDFC, कौन सा बैंक आपने घोषित किया, HDFC। इसी प्रकार बेस्ट UPI, UPI और वॉलेट कौन सा है, तो उसका नाम है गूगल पे। क्या नाम है बेटा, गूगल पे। किसको दिया गया, गूगल पे को दिया गया ये अवार्ड। सही आंसर है बेटा ई, गूगल पे। अगर बात करें तो गूगल पे ने BFSI मूवर्स एंड शेकर्स रिपोर्ट के वॉलेट और UPI सेगमेंट में टॉप रैंक हासिल की है। तो बेस्ट बैंक कौन सा है बेटा, बेस्ट बैंक है HDFC। बेस्ट बैंक कौन सा, HDFC बैंक है। और बेस्ट UPI, UPI कौन सा है बेटा, बेस्ट UPI है गूगल पे। कौन सा है बेटा, गूगल पे। कौन सा है, गूगल पे। ठीक है, कौन सा है, गूगल पे है। ठीक है, प्रशांत जायसवाल ने भी ई आंसर दे दिया, वेल डन प्रशांत जायसवाल। सुशासन दिवस किस नेता की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, सुशासन दिवस किस नेता की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, सुशासन दिवस किस नेता की जयंती मनाई जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष में 2014 में गुड गवर्नेंस स्टार्ट किया गया। ठीक है, गुड गवर्नेंस स्टार्ट किया गया 2014 में। ठीक है बेटा, 2014 में स्टार्ट किया गया गुड गवर्नेंस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन, सुगाथा कुमारी का हाल ही में निधन हो गया, सुगाथा कुमारी का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध मलयालम क्या है, फटाफट बताना है, वह एक प्रसिद्ध मलयालम क्या है, फटाफट बताना है सभी को। सुगाथा कुमारी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, वह मलयालम कवित्री है, क्या है बेटा, कवित्री है यानी पोएट है। क्या है बेटा, पोएट इज द राइट आंसर, पोएट इज द राइट आंसर। सो सुगाथा कुमारी जिनका हाल ही में निधन हुआ, एक फेमस पोएट है। क्या है बेटा, एक फेमस पोएट है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, प्रख्यात कवि और कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी का कोरोना वायरस के परीक्षण के बाद निधन हो गया। सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट में सबसे सक्रिय प्रचारकों में से एक थी ये, और ये एक कवित्री थी। ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अनिकेत सर और प्रशांत सर जबरदस्त आंसर दे रहे हैं, सभी लोग शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज, और आपको इससे स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा आई एम द बेस्ट, बट आई ट्राई टू प्रेजेंट माय बेस्ट कंटेंट टू यू। ओके, तो भारत सरकार ने हाल ही में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरे रंग के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए 500 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, किस संस्था के साथ, उस संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक। अभी हाल ही में इन राज्यों में साफ सुरक्षित जो क्या बनाए गए हैं बेटा, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो बनाए गए हैं, इसके लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें बेटा, तो वर्ल्ड बैंक पैसा देता है डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए देता है, डेवलपमेंट के लिए, और इसी का पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे, वॉशिंगटन DC, कहां पर है बेटा, वॉशिंगटन DC में है। और डेविड मलपास साहब क्या है, इसके चेयरमैन है। ठीक है, अध्यक्ष है। और ब्रिटेन वुड प्रिंस सिस्टर के तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सेवा में ये रहा, क्वेश्चन नंबर 43। अमर सिंह कॉलेज जिसे यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ मेरिट से मान्यता प्राप्त की गई है या दी गई है, किस शहर में स्थित है, फटाफट बताना है, अमर सिंह कॉलेज कहां पर स्थित है, सभी को बताना है, अमर सिंह कॉलेज जिसे यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ मेरिट से मान्यता प्रोवाइड की गई है, किस शहर में है, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। कहां पर है बेटा, श्रीनगर में स्थापित एक स्कूल है, 80 साल पुराना, श्रीनगर स्थित अमर सिंह कॉलेज की इमारत लगभग 80 साल पहले निर्मित 7 संरक्षण परियोजनाओं में से एक है, जिसे 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के साथ मान्यता प्राप्त है। इसे मेरिट के पुरस्कार से मान्यता दी गई है। ठीक है, मेरिट के पुरस्कार से मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, अपने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान की पेशकश करने के लिए गूगल पे के साथ किसने सहयोग किया है, फटाफट बताना है बेटा, अपने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान की पेशकश करने के लिए गूगल पे के साथ किसने सहयोग किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेटा पे यू, किसने किया है बेटा, पे यू ने इसके लिए एग्रीमेंट किया है।
Online payment solution provider PayU has collaborated with Google Pay to introduce tokenized payment flow for merchants in India. तो भारत में जो व्यापारी हैं उनके लिए, मर्चेंट्स हैं उनके लिए बेटा ये लॉन्च किया गया है मर्चेंट्स के लिए गूगल पे और पेयू का ये जॉइंट प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है। मिजोरम पर अंग्रेजी कविताओं के संग्रह ओह मिजोरम नामक पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट बताना है, ओह मिजोरम नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसका लोकार्पण वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जी ने किया है? तो फटाफट बताना है, तो इसका सही आंसर है ओह मिजोरम के राइटर है P.S. श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है? P.S. श्रीधरन पिल्लई साहब ने ये किताब लिखी है इंग्लिश में। कहां पे लिखी है? इंग्लिश में कविताओं का संग्रह है बेटा ओह मिजोरम, श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, पीवी वेंकैया नायडू ने मिजोरम के गवर्नर श्री P.S. श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक ओह मिजोरम का वस्तुतः विमोचन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो सही आंसर है 24 ऑफ दिसंबर। कब किया जाता है? 24 ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, 24 ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे। ठीक है बेटा, और इस बार की जो थीम है वो क्या है? सस्टेनेबल कंज्यूमर्स, इट विल फोकस ऑन द ग्लोबल क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बेटा, 2021 की थीम है बेटा ये, 2021 की थीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47, देवेन फडणवीस ने द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया, अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई किताब है? अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई किताब है? ठीक है बेटा, फटाफट बताना है अयोध्या किताब को किसने लिखा है। तो इस किताब के जो राइटर है वो है माधव भंडारी। कौन है बेटा? माधव भंडारी की किताब है जिसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस पूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड प्रेजेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली देवेंद्र फडणवीस हैज रिलीज द बुक अयोध्या रिटन बाय माधव भंडारी। किसने लिखी है बेटा ये किताब? माधव भंडारी ने, और मारिया शमशाद जी भी आ गई, सो वेलकम मारिया मैम। द राइट आंसर इज ए, बट सेशन अब खत्म होने वाला है बेटा। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के विजेताओं का नाम बताना है आपको, फटाफट बताना है। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के विजेताओं का नाम बताना है, कौन है विजेता? फटाफट सभी को आंसर देना है, और सही आंसर है बेटा अमित आहूजा एंड जयराम रमेश। अमित आहूजा और जयराम रमेश, यस यस मारिया मैम, सो नो प्रॉब्लम, कल से रहेंगे बेटा, कंप्लीट प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ दो क्लासेस, 7 बजे वाली क्लास और ये क्लास, दो क्लास आपका कंप्लीट पैकेज कर देंगी। अमित आहूजा को संयुक्त रूप से उनके हाशिए पर रखे गए पुस्तक के लिए पुस्तक प्रदान किया गया है। जातीय आंदोलनों के बिना जातीय पक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को उनके ए चेकर ब्रिलियंस के लिए, बी के कृष्ण मेनन के कई जीवन राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ राजनयिक बी के कृष्णन मेनन की जीवनी है। ठीक है बेटा, तो फटाफट अगर बात करें तो अमित आहूजा और किसको दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट होम प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को मंजूरी, जिसमें कितना परसेंट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा 20 साल का लाइसेंस अवधि की बात की गई है। तो आपको बता दें D2H डायरेक्ट टू होम फैसिलिटी के तहत 100% FDI घोषित कर दी है बेटा, 100% FDI को मंजूरी मिल गई है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव रिवाइज गाइडलाइन फॉर डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अलाउिंग 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंक्रीज द लाइसेंस पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के लिए लाइसेंस भी बढ़ा दिया गया है और 100% FDI भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन फटाफट आंसर देना है, निम्नलिखित में से किस संगठन को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन में प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 में उत्कृष्टता के सम्मानित किया गया है? फटाफट बताना किसे सम्मानित किया गया, और प्रशांत जी ने ए आंसर दे दिया है जबकि इसका सही आंसर है डी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे आप लोग जानते हैं किस नाम से बेटा, NTPC, किसके नाम से जानते हैं, NTPC, और देश का सबसे बड़ा
सोलर सोलर प्लांट सोलर प्लांट सोलर प्लांट जो तैरता हुआ, कैसा बेटा, तैरता हुआ, ठीक है, तैरता सोलर प्लांट कौन स्टेब्लिश करने जा रहा है, एनटीपीसी स्टेब्लिश करने जा रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बीन कॉन्फ्रेड एक्सीलेंस इन द प्रेस्टीजियस सीआईआई आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 इनकॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन के तहत एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसको दिया गया है, एनटीपीसी को, किसको दिया गया है बेटा, एनटीपीसी को दिया गया है, ठीक है। सो ये थी आज की क्लास जो आपके लिए मैं लेके आया था, अरविंद शुक्ला, और आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़ना ना भूलिएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी तैयारी को चार चांद लगाना चाहते हैं तो एग्जाम का समय आ चुका है और अब आप अपनी तैयारी को पूरी ताकत लगा दीजिए और आप मुझे फॉलो करिए अन अकेडमी पर, मेरा शेयर सेशन करिए, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है। सो आपको इसी के साथ मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। सो थैंक यू वेरी मच।